विष्णु पुराण अध्याय 5। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का शाप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ द्वेष करते हुए शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सान्निध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए संकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने शाप दिया, हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किए और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में धकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके दशावतारों में से 3रा वराहावतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ्र कांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअ का रूप धारण कर लिया। उस सुअ को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह और आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चर्म इस्पात जैसा कठोर था, वज जैसे उसके जबड़े थे, उसकी आंखों से अरुण कांति आ रही थी, उसके रोएं स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को गुंजाते हुए हुंकार कर उठा। उसके माथे पर खग जैसा सींग दमक रहा था। वराहावतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति से सारी दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सींग से ऊपर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञ वराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर वह तत्काल यज्ञ वराह से जूझ पड़ा। वराह रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु के गदा को उड़ाकर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में वराहावतार ने अपने सींग के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। वराहावतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वर लिया। वरामूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांग पर बिठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। वराहावतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के संकल्प से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को विच्छिन्न करने के लिए इंद्र ने मायाजाल रचा और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले जाने लगे। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र, आप कैसा अन्याय करने जा रहे हैं, आप अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए। सदा सर्वदा हिरण्यकश्यप ईश्वर्यावश विष्णु का स्मरण किया करता है, इस कारण लीलावती के गर्भ में बढ़ने वाले शिशु को विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु के प्रति हिरण्य का द्वेष उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणत हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को चले जाइए। शश्यों समझा कर नारद लीलावती को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में नारद दार्शनिक बातों के साथ साथ विष्णु के गुणों का भी वर्णन करते जाते थे। उस समय लीलावती के गर्भ में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुना करता था। कालांतर में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने ऐसे अनेक वर मांगे जिनके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी या आकाश, दिन या रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा न हो, साथ ही सृष्टि के किसी जीवधारी के द्वारा भी उसकी मृत्यु न हो। ऐसे अनेक वर उसने ब्रह्मा से प्राप्त किए। ब्रह्मा से वर पाकर हिरण्यकश्यप जब विजय गर्व से लौट रहा था तो रास्ते में नारद से सारा वृतांत सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा और अपने पुत्र का नाम प्रह्लाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ राजधानी लौट गया। हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेना चाहा। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया।
सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके दिक्पालों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को खूब सताया। जब शची देवी का अपमान करना चाहा, लीलावती ने उसको रोका। फिर भी उसका क्रोध जब शांत न हुआ तो उसने मुनियों के आश्रमों को जला दिया, विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। अंत में विष्णु का सामना करना ही अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगा। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात न हुई। अंत में वह वैकुंठ पर चढ़ाई कर बैठा। वहां पर भी विष्णु उसे दिखाई नहीं दिए। मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छिपे हुए हैं, काय कहीं के। ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को लौट आया। प्रहलाद उम्र के बढ़ने के साथ विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्यकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वंशद्रोही उसके यहाँ कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद का विद्याभ्यास कराने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसको अपने गुरुपुत्र चंड और माक के हाथ सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्त की। अपने सहपाठियों में भी विष्णु भक्ति का प्रचार करके उनके मन में मुक्ति मार्ग के प्रति अभिरुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति पर चंड और माक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हाथ सौंपने के लिए आए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से जांघ पर बिठाया और पूछा, बेटा तुम अपनी विद्या का परिचय कराने वाला एक पद्य सुनाओ। प्रहलाद ने अपने मधुर कंठ से एक पद्य गाकर सुनाया, जिसका अर्थ था, मैंने अपने गुरुजी से सारी विद्याएं पूर्ण रूप से सीख ली हैं। उन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित लगाना है। विष्णु का स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुंह से ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जांघ पर से नीचे धकेल दिया। तब गुरुओं से पूछा, क्या आपने हमारे पुत्र को यही शिक्षा दी है? चंड और माक दोनों थर थर कांपते हुए बोले, राजन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप हम पर नाराज न होइए। शश ऐसा कहते हुए गुरुकुल में प्रहलाद के व्यवहार का परिचय दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने सुअ का रूप धरकर तुम्हारे चाचा का संहार किया है। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है। वह अक्षम्य अपराध है, तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी आप दानवों के राजा हैं, मुझको शाप देने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भी विष्णु की ओर खींचा हुआ है। जैसे ब्रह्म कमल को भूल नहीं सकता है, वैसे मैं भी विष्णु को भूल नहीं सकता। यह मेरे वश की बात नहीं है। मेरे शरीर में प्राण के रहते उनको भूल जाना असंभव है। मेरी आत्मा ही विष्णु स्वरूप है। छोटे बालक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप विस्मय में आ गया। फिर क्रोध में आकर गरजते हुए बोला, तब तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम अन्न जल के बिना मर जाओ। इसके बाद प्रहलाद को कारागार में धकेल दिया। पुत्र प्रेम के कारण लीलावती तड़प उठी। लीलावती के दुख को देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार से मुक्त कर दिया। विष्णु का ध्यान करते तन्मयावस्था में अत्यंत शोभायमान पुत्र को देख हिरण्यकश्यप यह सोचकर आश्चर्य में आ गया कि कई दिनों से अन्न जल के बिना यह कैसे जीवित है। फिर गुस्से में आकर उस बालक को हाथियों के पैरों तले डाल दिया। हाथी प्रहलाद को देख घबरा उठे, मानो सिंह को देख लिया हो। महावतों ने अंकुश चलाकर बालक को हाथियों से रौंदने का प्रयत्न किया, मगर बालक का बाल भी बांका न हो सका। सांपों से डंसवाने का प्रयत्न किया गया, पर सांप बालक को चूमकर फन फैलाकर नाच उठे। इसके बाद प्रहलाद को पहाड़ की चोटी पर से नीचे धकेलवा दिया गया, फिर समुद्र में फेंकवाया गया, कालकूट विष पिलवाया। फिर भी प्रहलाद को जीवित देख हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं मरते, इसका क्या रहस्य है? प्रहलाद ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हाथियों में, सांपों में, पत्थर, अग्नि, समुद्र, जहर आदि में ही नहीं, बल्कि आप में और मेरे भीतर भी विष्णु ही विद्यमान हैं। मुझको मारने के प्रयत्न और मेरा जीवित रहना, यह सब उनकी लीलाओं का महात्म्य है पिताजी। प्रहलाद की बातों से हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। वह उस बालक की बांह पकड़कर सभा भवन के बीच खींच ले गया और अपना गदा हाथ में ले लिया। उस दृश्य को देख लीलावती बेहोश हो गई। चारों तरफ घिरे हुए राक्षस प्रमुख चकित हो मूर्तिवत खड़े रह गए। सभा मंडप के सामने लोहे से निर्मित एक विजय स्तंभ खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ दिखाकर प्रहलाद से पूछा, अरे कुलद्रोही, वह मेरा विजय स्तंभ है। मेरे छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु के साथ युद्ध करके तुम्हारी आंखों के सामने उसका संहार करूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु उस स्तंभ के अंदर है? आपको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है, वे सर्वत्र विद्यमान हैं और उसके अंदर भी हैं, प्रहलाद ने झट जवाब दिया। हिरण्यकश्यप ने तेज गति से जाकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। प्रलय ध्वनि के साथ पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। भूमि के बादल चारों तरफ फैल गए।
स्तंभ दो टुकड़ों में फट गया। उसके भीतर से चकाचैंत करते हुए दशावतारों में से चैथा नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए। सिंह का सर, मानव का धड़, हाथों में सिंह के नाखून, ऐसा अपूर्व रूप को लेकर नरसिंह प्रलयन कर ध्वनि के साथ गरज उठा। उस वक्त ऐसा लगा मानो पांचजन्य फूंक दिया गया हो। सुदर्शन चक्र उनके चतुर्दिक घूमते हुए दिखाई पड़े। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो जरूर बताएं और आगे भी ऐसी वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।